इतना सारा कट ऑफ लिखने में तो हालत खराब हो गया। टोटल 81 कोर्सेस, 81 और 84 कोर्सेस यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। चैलेंज है, आप लोगों ने डिमांड किया था और आपकी डिमांड को पूरा किया मैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप देख रहे हैं स्वीटी पाठशाला। अब अपने साइड से मैंने कर दिया, अब आपका काम है इस वीडियो को लास्ट तक देखना। समय बिल्कुल भी नहीं लूंगा मैं, बोलूंगा भी नहीं आपको क्या करना है। आप अपना फायदा देखो, आप कट ऑफ देखो। हम लोग यहाँ पे 7 स्लाइड में ऑलमोस्ट 80 से ज्यादा कोर्सेस के अनऑफिशियल कट ऑफ डिस्कस करने जा रहे हैं। आज आप जान पाओगे वो मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स क्या है, वो सबसे कम नंबर क्या है जिसपे आपको डीयू में एडमिशन मिल सकता है। आप लोग प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इस वीडियो को अपने स्टेटस पे लगाएं। सबसे फर्स्ट नंबर है, ध्यान देना, ये अनऑफिशियल है लेकिन ये टॉपर्स के मार्क्स के बेसिस पे है, यानी ये कोई ब्लाइंड वाला मार्क्स नहीं है कि हाँ 300 में हुआ, 180, 290, ये सब नहीं चल रहा है। यहाँ पे टॉपर्स के मार्क्स को देखा गया, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को देखा गया है, कितने पार्टिसिपेट किए हुए हैं, और उस बेसिस पे, और जो लाइव में मैं बैठता हूँ कि हाँ पॉलिटिकल साइंस में 200 के प्लस में बच्चे कमेंट कर रहे हैं, साइकोलॉजी में 200 प्लस में ही बच्चे कमेंट कर रहे हैं, अच्छा हाँ होम साइंस में 90-80 ही कर रहे हैं, ये सब मैंने ऑब्जर्व किया है। यानी कि ऑनेस्ट एनालिसिस से काफी मेहनत लगा है। फर्स्ट है यहाँ पे एमए अरेबिक, ठीक है, एमए अरेबिक जनरल के लिए 200, ओबीसी के लिए 180, एससी के लिए 150 और एसटी के लिए 130, ये है आपका हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है, ये आपका हाईएस्ट मार्क्स है, ध्यान देना इस वाले लाइन में पूरा हाईएस्ट मार्क्स है, ओके। अब बीच में ईडब्ल्यूएस है, यहां पे ईडब्ल्यूएस है इन दोनों के बीच में, जैसे कि 200 है तो ईडब्ल्यूएस कितना होगा, 190। इस तरीके से आप लोग अब जनरली काउंट करिएगा अपने मार्क्स में। एमए बौद्धिस्ट स्टडीज 170 जनरल, ओबीसी 150, एससी 140, एसटी 135, हाईएस्ट गया था कितना, 225। एमए इंग्लिश, ध्यान देना इंग्लिश कोर्स जो है बच्चे बहुत ज्यादा फिलअप किए हैं, लेकिन ये कोर्स बहुत यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल भी है, जैसे कि जरूरी नहीं है कि अरेबिक हर जगह अवेलेबल हो, इसीलिए उसके कट ऑफ को उस तरीके से बनाया गया, लेकिन एमए इंग्लिश लगभग यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल होता है, समझ रहे हो कि नहीं, उसी हिसाब से इसके कट ऑफ को बनाया गया। हाईएस्ट कितना था इसमें, 225, ठीक है, जनरल के लिए 180, 160 ओबीसी के लिए, 140 एससी के लिए और एसटी के लिए 130। ध्यान देना ईडब्ल्यूएस की बात आएगी तो कितना हो जाएगा, 170, 170। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, एमए इंग्लिश वाले लाइक कर दो, अपने अपने कोर्स बच्चे लाइक करते जाओ, ठीक है, और जिनको मैं पास अच्छा लग जाऊं, मेरा चैनल अच्छा लग जाए, वो एडवांस में लाइक कर देगा। यहां पे लगभग 4, 5, 6, 7 एमए फ्रेंच, एमए जर्मन, एमए इटालियन, इस तरीके के 3-4 हमने एक साथ काउंट किया हुआ है, 133, 233, 236, 232 और 134, ये इनके हाईएस्ट मार्क्स हैं, ठीक है। तो मैंने इन तीनों को ले लिया ऊपर वाले में, ठीक है, इस रो में कितना है, 200 जनरल के लिए, 180 ओबीसी के लिए, एससी के लिए 150, एसटी के लिए 130, ठीक है, और इटालियन के लिए 100, 80 ओबीसी के लिए, 60 एससी के लिए और 50 एसटी के लिए। ध्यान देना है कि एसटी में कैंडिडेट बहुत कम देखने को मिल रहे थे, यही कारण है कि एसटी के मार्क्स को भी उस तरीके से यहां पे एनालिसिस किया गया। 8th नंबर एमए हिंदी, वर्सेटाइल कोर्स है, हर जगह अवेलेबल है, लगभग यूनिवर्सिटी रन कराता है, उसी हिसाब से इसके कट ऑफ को बनाया भी गया है। हाईएस्ट था यहाँ पे 271, 210 जनरल, 190 ओबीसी, 160 एससी और 130 एसटी। ध्यान देना यहाँ पे आपका 200 नंबर आएगा किसके लिए, आपका ईडब्ल्यूएस के लिए। अब ये दो कोर्सेज है यहाँ पे, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है, एमलिव एंड बीलिव। यहां पे जनरल के लिए 220, 180, 160 और 130, ठीक है, और 200 आपका हो जाएगा किसके लिए, जनरल के लिए इसका मास्टर, 170 ओबीसी, 150 एससी और 130 एसटी। हाईएस्ट कितना था, 285 गया था आपका लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन बैचलर के लिए, और मास्टर के लिए 238। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहां पे कितना हो जाएगा, 200, और यहां पे कितना हो जाएगा, 180, ठीक है। एमए लिंग्विस्टिक, ध्यान देना कि ये स्पेशल कोर्स है, हर यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन बच्चों का इंटरेस्ट इसमें जो जाने वाला है बदलता भी रहता है, ठीक है, क्योंकि बीएचयू में कॉमन सब्जेक्ट सही है, लेकिन कहीं पे स्पेशल सब्जेक्ट्स भी हैं।
इसी हिसाब से बनाया गया है, 210 जनरल, लगभग वही 170-180 आपका ओबीसी, 150 एससी और 130 एसटी, हाईएस्ट कितना था 260। अगर यही कोर्स आप बीएचयू में लेने जाओगे तो ये कम से कम 20 नंबर माइनस करके आप लोग काउंट कर लेना, ठीक है। मैं बीएचयू के लिए भी आप थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूं, एमए बंगाली, तमिल और कंपेरेटिव इंडियन लिटरेचर, 200 जनरल के लिए, 180 ओबीसी, 160 एससी और 130 140, ठीक है, 139 हाईएस्ट गया था, 225 हाईएस्ट गया था और 255 हाईएस्ट गया था, ठीक है। एक मिनट में तुरंत आ रहा हूं, अभी बिजी हूं, कौन है? हाँ, घर जा रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, उसे लगा के जाइए। हाँ, सेकंड स्लाइड पे आ गया मैं, ठीक है। एमए फिलोसफी, ठीक है, एमए फिलोसफी 180 जनरल के लिए, 170 ओबीसी के लिए, 150 एससी के लिए और 120 एसटी के लिए, हाईएस्ट गया है 248। ध्यान देना कि फिलोसफी बीएचयू भी चलता है और भी यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल है, तो उसी हिसाब से इसके कट ऑफ अप डाउन होते रहेंगे। जब बीएचयू में आओगे तो कम से कम 20 से 30 नंबर घटा देना, ठीक है, एडमिशन आराम से मिलेगा इसमें। एमए साइकोलॉजी, एमए अप्लाइड साइकोलॉजी, ठीक है, दोनों का एक ही था, हाईएस्ट कितना था 300, यानी पूरे में पूरे था, 230 जनरल के लिए, ठीक है, इस बीच में आपका आएगा लगभग 210 जो है किसके लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, 200 ओबीसी के लिए, 180 एससी के लिए और 150 एसटी के लिए। अब आएगा एमए पंजाबी, एमए पंजाबी के लिए यहां पे 140 जनरल, 130 ओबीसी, 120 एससी और एसटी 80 के लिए, क्योंकि हाईएस्ट यहां पे 175 ही था। एमए संस्कृत, एमए संस्कृत बच्चे जो होते हैं बड़े होनहार होते हैं और अपने कोर्स को लेकर बहुत डेडिकेटेड होते हैं, यही कारण है कि कट ऑफ एक बार आया, मैं बताऊंगा ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है जो आया तो घटेगा नहीं, बड़ा दो दो तीन तीन नंबर ही घटता है, संस्कृत भी उसी तरीके से। हाईएस्ट भी देखो कितना पता है, 283 अपने आप में बहुत ज्यादा है, 210 जनरल के लिए, 290 ओबीसी के लिए, 160 एससी के लिए, 140 एसटी के लिए, इस बीच में आपका जो 200 है वो ईडब्ल्यूएस के लिए है। रशियन स्टडीज हाईएस्ट कितना है 215, उसी हिसाब से बनाया गया है, 180 फॉर जनरल यानी 180 फॉर जनरल, 165 फॉर ओबीसी, बीच में आपका 170 आएगा ईडब्ल्यूएस के लिए और 150 फॉर एससी एंड 130 फॉर एसटी, ठीक है। एमए उर्दू, एमए उर्दू हाईएस्ट कितना है 286, लेकिन ध्यान देना हाईएस्ट ये डिसाइड कभी नहीं कर सकता है कट ऑफ डाउन होगा कि अप होगा, ये बस ये डिसाइड कर सकता है कि ये थ्रेशोल्ड है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, इससे अप नहीं जाने वाला है, बस इतना ही डिसाइड कर सकता है। जैसे उर्दू में हो सकता है पढ़ने में बहुत अच्छा कोई बच्ची हो या बच्चा हो, वो उस मार्क्स को ले आया, लेकिन हो सकता है कि अब भाई उसके बाद जो रैंक आई है वो 200 से स्टार्ट हो रही है, ऐसा भी हो सकता है, तो उसी हिसाब से उर्दू का बनाया गया है, 200 यानी 200 जनरल के लिए, 180 ओबीसी, 150 एससी एंड 130 एसटी के लिए, ठीक है। एम कॉम अपने आप में बहुत डिमांडिंग था, एम कॉम और उसके नीचे ये बने हुए जितने भी कोर्सेज हैं सभी का एक ही कोड है और हाईएस्ट मार्क्स है 207, हाईएस्ट मार्क्स से डिसाइड कर रहा है कट ऑफ उसी हिसाब से जाना है, 180 फॉर जनरल, 150 फॉर ओबीसी, 130 फॉर एससी एंड 100 फॉर एसटी। ध्यान देना यहां पे एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, आप जब ये मेरा कट ऑफ देख रहे हो तो आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर अपना रजिस्ट्रेशन करें कि ना करें, ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा इस मार्क्स पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इससे 10 से 15 नंबर कम में भी करना है, उसके बाद नहीं करना है, बाकी आप स्वतंत्र हो, मेरा काम है आपको समझाना जिससे कि आप अपने एडमिशन की पॉसिबिलिटीज जानो और यूनिवर्सिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो, ये सब काम मैं कर रहा हूं आपके लिए कर रहा हूं। जैसे मैं स्पेशली मैथ्स के लिए कौन सा यूनिवर्सिटी फेमस है, होम साइंस के लिए कौन सा यूनिवर्सिटी फेमस है, फिलोसफी के लिए कौन सा यूनिवर्सिटी ज्यादा अच्छा होगा, हिंदी के लिए कौन सा अच्छा होगा, इस पे काम चालू कर दिया हूं, कमिंग वीडियो उन्हीं सब पे होगा। आज हमारे पास अगर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन में एक महीने का समय मिला हुआ है तो मैं सोच रहा हूं कि इस एक महीने को पॉजिटिव वे में हम लोग यूटिलाइज करें,
इसी उम्मीद से मैं ये सब वीडियोस बना रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे हर वीडियोस को देखोगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे, अपने स्टेटस को ऑनेस्टली शेयर करो। मैं बता रहा हूं ऐसे वीडियो यूट्यूब पे नहीं कोई बनाता, ना ही इस तरीके का कोई खास एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर करता है। लोगों के पास है नहीं, कुछ भी बनाते हैं, मैंने खुद देखा है कुछ भी बनाते हैं और बच्चों को पैनिक करते हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप हर किसी को देखो, मैं किसी चैनल को ये नहीं बोल रहा हूं बुरा है या जो भी, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं उसमें अच्छा वीडियो बना रहा हूं, आप लोगों के लिए बना रहा हूं। ये बात इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि समाज ऐसा है कि हमें बोल के बताना पड़ता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी आप भी समझदार हो, आप खुद समझ रहे होंगे कि मेरे वीडियोस कितने ज्यादा हेल्पफुल हैं। लास्ट वीडियो 11 के गया था 18 घंटे में ही, तो मैं चाहूंगा कि ये वीडियो भी लगभग 24 घंटे में 10 के क्रॉस कर जाए। प्लीज अपने स्टेटस पर जरूर लगाइएगा, ऑनेस्टली अपने स्कूल ग्रुप में शेयर करिएगा, ठीक है। अब यहां से MBA 180 170 150 एंड 130 फॉर ST जनरल के लिए 180, ठीक है। यहां पे बीएड के लिए बच्चे बहुत कमेंट करते रहते हैं, लाइव से बैठा रहता हूं, लाइव सेशन में बहुत बीएड का कमेंट आता है। 190 180 170 एंड 150 हाईएस्ट 240 गया था, 240 हाईएस्ट गया है आपके कोर्स में। और इस तरीके का अगर जनरल ओबीसी एसटी एससी का आपका मार्क्स आया हुआ है तो आप रजिस्ट्रेशन डीयू में कर सकते हो। यहां पे 170 एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, 195 के आसपास ईडब्ल्यूएस के लिए, इस बीच में तो आप लोग अप्लाई कर लेना। यहाँ पे एमएड का भी मैंने सेम एज इट इज फॉलो किया, एमएड भी 190 180 170 और 50, ठीक है, हाईएस्ट गया था 225। ओके, हम लोग आ गए फोर्थ स्लाइड पे, अपने यहाँ चौथे स्लाइड पे। अभी भी वीडियो बहुत लंबा है, आप प्लीज अभी देखते जाओ, अपने दोस्त को बताओ जरूर कि हाँ सर ने ये कट ऑफ डिस्कस किया है, इस कोर्स के लिए डिस्कस किया है, आप इनका वीडियोस देखो। क्या है बायोकेमिस्ट्री, हाईएस्ट कितना गया है 241, 200 फॉर जनरल यानी 200, 180 फॉर ओबीसी, 160 फॉर एससी एंड 140 फॉर एसटी, ठीक है। ये दोनों कोर्सेज के लिए हाईएस्ट गया है 185, उसी हिसाब से कटा बनाए गए 150 फॉर जनरल, 145 फॉर ओबीसी, 130 फॉर एससी एंड 100 फॉर एसटी। इस मार्क्स पे आप आते हो, आप ड्यू में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जेनेटिक्स के लिए, एमएससी जेनेटिक्स के लिए 210 यानी 210 जनरल के लिए, 180 ओबीसी, 160 एससी एंड 130, 130 एसटी के लिए हाईएस्ट गया था 296, बहुत हाई वैल्यू गई है। अपने आप में मैंने जो साइंस के कट ऑफ लिखे हैं यहाँ पे, ध्यान देना है कि ज्यादा माइनस मत करना, बाकी जो ह्यूमैनिटीज वाले हैं उनका माइनस करके भी अपना काम चला सकते हैं। एमएससी इन्फॉर्मेटिक्स 150 यानी 150 फॉर जनरल, 140 फॉर ओबीसी, 130 फॉर एससी एंड 100 फॉर एसटी, हाईएस्ट गया था 185, कितना 185। एमएससी माइक्रोबायोलॉजी 110 फ�or जनरल, 210 210 फॉर जनरल, 190 फॉर ओबीसी, 170 फॉर एससी एंड 130 फॉर एसटी, 281 इनका हाईएस्ट गया है आपके कोर्स में। यहां पे हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं बीपीएड एंड एमपीएड, अपने आप में बहुत फेमस कोर्स है, जो बीएचयू में भी कोर्स रन करता है। ध्यान देना ये एक प्रैक्टिकल कोर्स भी है, अपने आप में बड़ा ही स्पेशल है, फोकस्ड बच्चे इसमें जाते हैं, पहले से प्लान होता है कि हमें यही करना है, कोर्स बहुत अच्छा है। 220 यानी 220 फॉर जनरल, 200 फॉर ओबीसी, 160 फॉर एससी एंड 140 फॉर एसटी, 110 फॉर यहां पे क्या है एमपीएड के लिए, 210 फॉर द जनरल, 190 फॉर ओबीसी, 170 फॉर एससी एंड 140 यानी 140 एसटी के लिए हाईएस्ट कितना गया था, तो बीपीएड में गया था 285 और 250 गया था एमपीएड में। अब आ गया यहां पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कोर्सेस है बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी 200 जनरल, 200 जनरल, 180 ओबीसी, 170 एससी और 140 एसटी। जितने लोग भी ईडब्ल्यूएस हैं वो इस बीच में 10 से 5 नंबर घटा के अपना काउंट करते जा रहे। एलएलबी एंड एलएलएम बहुत ज्यादा बच्चे इसका अक्सर लाइव में कमेंट पूछते रहते हैं, सर मैं एलएलबी के लिए अप्लाई किया हूं बताइए। एलएलबी 190 170 190 जनरल के लिए, ठीक है, ओबीसी के लिए, एससी के लिए 150 और 130 एसटी के लिए, ठीक है, हाईएस्ट कितना है 285 और 240 एलएलएम के लिए। तो एलएलएम का जो कट ऑफ है वो सेम फॉलो होगा और एलएलबी का कट ऑफ 190 170 150 130 आप अगर पाए हो तो आप डीयू में अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, बीएचयू का मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, आप जाके कवर कर सकते हो। एमसीए एंड एमएससी कंप्यूटर साइंस हाईएस्ट कितना रहा है 165, ठीक है, 200 चाहिए जनरल के लिए, 180 चाहिए ओबीसी के लिए, 160 चाहिए एससी के लिए और 140 चाहिए आपका
एसटी के लिए, ठीक है। अब यहां पे आता है एमए मैथमेटिक्स, एमए मैथमेटिक्स एंड एमएससी मैथमेटिक्स 140, क्योंकि देखो हाईएस्ट 161 है यहां पे, ठीक है, उसी हिसाब से बनाया गया 140, जनरल अप्लाई कर देना, 130 पे अप्लाई कर देना, 100 पे अप्लाई कर देना एससी, और 70 पे एसटी अप्लाई कर देगा। यहां पे एमएससी ऑपरेशनल रिसर्च और एमएससी एम एंड अप्लाइड ऑपरेशनल रिसर्च के लिए यहां पे है, हाईएस्ट गया है 292, ध्यान से देखो 252 है, तो ऐसे में आपको एसटी पे 140 लाना पड़ेगा, 160 एससी के लिए, 180 ओबीसी के लिए, और 200 नंबर आपको लाना पड़ेगा जनरल कैटेगरी के लिए। इस बीच में आपका 190 आएगा, जो कि किसके लिए होगा, ईडब्ल्यूएस के लिए होगा। नाउ कम फिफ्थ नंबर स्लाइड, स्टैटिक्स 200 चाहिए जनरल के लिए, 180 चाहिए ओबीसी के लिए, 160 चाहिए एससी के लिए, और 150 चाहिए एसटी के लिए। यहां पे जो हाईएस्ट है किसका, वो है, अब देखो एमए म्यूजिक, एमए कर्नाटका म्यूजिक, ये तीन हैं जो बच्चे भी इससे स्पेशल आते हैं। ध्यान देना कि आपका हाईएस्ट यहाँ पे 283 और 253 और 275 है, ठीक है, उन तीनों का यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने इसका और इसका मिला के इस वाली लाइन में लिखा हुआ है, यानी 210 जनरल, 180 ओबीसी, 160 एससी, 140 एसटी, बस इस बीच वाले का मैंने यहाँ पे लिखा है 206 जनरल के लिए, 180 के लिए ओबीसी, 160 एससी और 140 एसटी के लिए, ठीक है, क्लियर हो गया। एमएससी एंथ्रोपोलॉजी, भाई अपने आप में कभी कभी बच्चों का बीच में एडवर्टाइजमेंट नहीं होता इन कोर्सेज का, बहुत कम लोग जानते हैं, कट ऑफ जो है बहुत ज्यादा नहीं जाता है बीएचयू में, क्योंकि इसकी फीस भी ज्यादा है, बच्चे कहीं ना कहीं इस कोर्स से भागते हैं, तो जो मैंने लिखा है इससे 20 नंबर कम भी हो तो भी आप अप्लाई जरूर करिएगा। 200 जनरल, 180 ओबीसी, 160 एससी, 140 एसटी, हाईएस्ट गया था 292, ठीक है, और यहां पे एमएससी फॉरेंसिक साइंस 294, ओके। एमएससी बॉटनी बहुत डिमांड है, अक्सर मेरे को पूछा जाता है लाइव सेशन में, सर बॉटनी मेरे इतना मार्क्स एडमिशन होगा कि नहीं, फाइनली अब यहां पे बॉटनी पे हम लोग दिमाग लगाते हैं। 170 जनरल, 160 ईडब्ल्यूएस, ठीक है, 150 ओबीसी, 130 एससी और 100 यानी 100 एसटी, हाईएस्ट है आपका कितना, 207 हाईएस्ट, यानी ओनली 207। यहां पे ये है एक कोर्स है, आप लोग पढ़ लो, एमएससी पीएचडी कंबाइंड डिग्री कोर्स बायोकेमिकल साइंस, 200 ओबीसी सॉरी जनरल, ठीक है, ओबीसी 180 एससी 160 और 140 एसटी, हाईएस्ट कितना है 241। 190 एमएससी केमिस्ट्री, बच्चे बार बार मुझसे पूछते रहते हैं, एमएससी केमिस्ट्री 190, 180 ओबीसी, 160 एससी और 130 एसटी, हाईएस्ट 257। इसी बीच में आपका होगा 195 या बीच में आप देख लो, और वो आपका हो जाएगा, सॉरी 85 ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। इन्वायरमेंटल स्टडीज और इन्वायरमेंटल स्टडीज एमएससी और एमए के लिए 160 जनरल, 150 ओबीसी, 130 एससी और 100 एसटी, 194 फॉर हाईएस्ट मार्क्स। 210 जियोलॉजी, 210 जनरल, 190 ओबीसी, 160 एससी, 140 एसटी, हाईएस्ट 277 किसका, ये है आपका कोर्स एमएससी जियोलॉजी 277, ओके। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ये 1, 2, 3, 4, 5 कोर्सेज क्या क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड स्टडीज, एमएससी फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, ओके, न्यूट्रिशन, ओके, और क्या है, एमएससी फैब्रिक, अपीयरल साइंसेस, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन, ये जो बच्चे भी इसमें आते हैं वो अपना देख लें, और इसमें बच्चों के हाईएस्ट मार्क्स ही बहुत कम है, इसमें कितना है 157 यानी 157, 110 जनरल, 80 ओबीसी, 60 एससी और 40 एसटी, ओबीसी यहाँ ईडब्ल्यूएस यहाँ बीच में कहीं एग्जिस्ट करेगा। एमएससी फिजिक्स 200 ओनली 200, 180 ओबीसी, 160 एससी और 140 एसटी, हाईएस्ट कितना है 246 यानी 246। जूलॉजी, एमएससी जूलॉजी 200, 180 ओबीसी, 160 एससी और एसटी, 140 हाईएस्ट गया 241। यहां पे लॉन्ग लाइफ लर्निंग एंड एक्सटेंशन 150 जनरल, 140 ओबीसी, 120 एससी और 100 एसटी, हाईएस्ट कितना है 187, 187। एमए एशियन स्टडीज एंड जापानीज 210 जनरल के लिए,
190 ओबीसी के लिए, 170 एससी के लिए और 150 एसटी के लिए। हाईएस्ट कितना है? 285। और 192 हाईएस्ट किसका है? जापानीज का, जिसमें चाहिए आपको 160, 150, 130 और 100। ठीक है, एमए इकोनॉमिक्स ये कोर्स भी इजीली अवेलेबल है यूनिवर्सिटीज में, लेकिन डिमांडिंग रहता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसी के बाद एमबीए करते हैं। बहुत सारे कोर्सेज जब ये कोर्स का इंट्रोडक्शन हो रहा है तभी एमकॉम और एमबीए जैसे ऑप्शंस उनके पास होते हैं, इसीलिए ये कट ऑफ अप डाउन होता रहेगा। तो 20 नंबर नीचे भी आता है तो भी आप काउंसलिंग करा लीजिएगा। 210 जनरल, 190 ओबीसी, 170 एससी, 150 एसटी। हाईएस्ट कितना है? 282 यानी 282। एमए ज्योग्राफी अपने आप में डिमांडिंग है। 200 नंबर जनरल के लिए, 180 ओबीसी के लिए, 160 एससी के लिए, 140 एसटी के लिए। हाईएस्ट कितना है? 247। एमए हिस्ट्री अपने आप में डिमांडिंग है, अक्सर फेमस कोर्स है, भाई बच्चा करना चाहता है, इसमें प्रोफेसर बनना चाहता है, अपना करियर बनाना चाहता है, यूपीएससी में ऑप्शनल लेके चलता है। 200 जनरल, 190 ओबीसी, 170 एससी, 150 एसटी, हाईएस्ट 232। एमए पॉलिटिकल साइंस एज ऑप्शन यूपीएससी में ट्रीट करते हैं और प्रोफेसर भी बनना चाहते हैं। 200 जनरल, 190, 170, 150 एसटी, हाईएस्ट कितना है? 270। सोशल वर्क एमएसडब्ल्यू बड़ा ही अनएडवर्टाइज्ड कोर्स है, लोगों के बीच उतना फेमस नहीं है, फीस भी ज्यादा है, बच्चे जाते जाते रुक जाते हैं, नहीं जाएंगे, इस तरीके की फीलिंग भावनाएं इस कोर्स को लेके आती हैं। कट ऑफ अप डाउन होता रहता है, आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो। 190 जनरल, 180 ओबीसी, 160 एससी, 130 एसटी और 250 हाईएस्ट टॉपर। एमए सोशियोलॉजी बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं, सर बताइए इसमें कितना जाएगा? लगभग 210, 190 ओबीसी, 160 एससी, 140 एसटी, हाईएस्ट गया 290। अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट स्लाइड पे, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मास्टर्स जर्नलिज्म का। 200, 180, 160 और 140, ठीक है, एसटी, एससी, ओबीसी और ये हो गया जनरल। और इन कोर्सेज के लोग अगर हैं तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फाइनली ये आज हम लोगों ने एक बड़ा ही हेल्दी कन्वर्सेशन किया, पूरा डिस्कस कर लिया, अपने आप में YouTube पे कहीं नहीं है। और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरे को बिना रिक्वेस्ट किए सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, क्योंकि काउंसलिंग में ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सब कुछ मिलेगा। और एक अभी हाल ही में न्यूज चैनल ने BHU में ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था और एक बच्चे से पूछा गया कि क्या पॉलिटिकल जो यहाँ पे स्टूडेंट्स कम्युनिटी है, जो लीडर होते हैं, बच्चों की हेल्प करते हैं। तो बच्चे ने बोला उनका तो नहीं पता, लेकिन चैनल है BHU पार्ट, सारे लोग यहाँ BHU पार्ट नाम से जानते हैं, वो बड़ा लोगों की मदद करता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा वो न्यूज देख के, मैं उनको जानता भी नहीं था और इस तरीके से रिव्यू आता है। तो क्यों आता है? क्योंकि मैं लोगों के लिए करता हूँ, ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए करता है। सो प्लीज रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के साथ 20,000, 30,000, 40,000 ये वीडियो पहुंचना चाहिए, क्योंकि DU अपने आप में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को लेकर चल रहा है। मैं चाहूंगा हर बच्चा इस वीडियो को देखे, क्योंकि ये वीडियो डिसाइड करेगा कट ऑफ अप होगा कि डाउन होगा, अवेयरनेस डिसाइड करता है। अगर ये पूरे बच्चे DU में जाते हैं इस तरीके से, तो अपने आप BHU का कट ऑफ डाउन हो जाएगा। और BHU का कट ऑफ जब एनालिसिस लेकर आऊंगा मैं, आप मुझे बताना है कि JNU चाहिए या BHU चाहिए, क्योंकि आप दो यूनिवर्सिटीज बाकी हैं, फिर HU भी है। आप जिन यूनिवर्सिटीज कट ऑफ मुझे चाहोगे आप कमेंट करो, मैं वीडियो ले आऊंगा। तो आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करें, अपने स्टेटस पर जरूर लगाएं और मुस्कुराना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव, बहुत सारी शुभकामनाएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।